यूएसए ने अच्छा तगड़ा मुकाबला किया भारत का, हालांकि भारत ने मुकाबला जीत ही जाना था, वर्ल्ड क्लास टीम है भारत की, और दूसरी तरफ एक तरह से आपके वेजर्स या आपके लिए एमेच्योर ये क्रिकेटर्स हैं यूएसए के, मगर इसी तरह से अगर कड़ा ये इम्तिहान में डाली रखेंगे एस्टैब्लिश टीम्स को तो आगे चल के फिर प्रोफेशनल भी हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशन, हिंदुस्तान जो है वो सुपर एट में क्वालिफाई कर गया है भाई। इंडिया ने घसीट कर मारा है यूएसए को, इसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है, पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ नोवेयर एक चांस बना है, लेकिन जिसकी रत्ती बराबर भी खुशी नहीं है क्योंकि इंडिया में हमें टी20 वर्ल्ड कप के अंदर आप लोगों ने सरवाइव कराया यार। शिवम दुबे, मैं कहता हूं शिवम दुबे छोड़ो, सूर्य कुमार यादव लव यू यार। पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था आज इंडिया के ऊपर और फाइनली आज इंडिया जो है वो पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरा है। इंडिया ने पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का मान रखा है, उनके दिल रखे हैं, उनके जज्बात जो है वो रखे हैं। कोई जल्दी थी नहीं, हालांकि 18वें ओवर तक यूएसए ये कहेगा कि हमने मैच को खींचा, मगर एक दफा जब दुबे और सूर्य कुमार की पार्टनरशिप लग गई तो ये मुकाबला भारत के हाथ में ही था। जो न्यूयॉर्क की पिच है इसने सब तगड़े, माजरत के साथ, सब तगड़े बैट्समैनों को बकरी बना दी है, जितने भी बैट्समैन अच्छे हैं वो बकरी बन गए इस पिच की वजह से। लो लेवल की जो टीम है, बड़ी टीम भी उन्हीं के लेवल पे आ गई है। विराट भी आउट हो जाता है, रोहित भी आउट हो जाता है, रोहित शर्मा, दोनों जल्दी आउट होने के बाद सूर्या कुमार और दुबे जो है वो पंच भी आके अच्छा खेला, सूर्या कुमार दुबे ने आके आराम से 2-3 ओवर पहले मैच जीत गए। दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन द टीम। हरदीप सिंह, व्हाट अ बॉलिंग भाई, इसको कहते हैं बॉलिंग, बॉलिंग का बाप निकला, बुमराह की रूह आ गई इस बंदे के अंदर आज। 4 विकेट लिया, 9 स्कोर दिया 4 ओवर के अंदर, अनबिलीवेबल बॉलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह के बाद सेकंड बेस्ट चॉइस है, अभी बहुत इनके पास एज है, बहुत इनके पास टाइम है और भी इनकी बॉलिंग में निखार आएगा। फिर से रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान है, आखिरी ओवर इन्होंने लाजवाब किया था, यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं, फिर पेस भी अच्छी है। हरदीप सिंह, अब ये वो नौजवान खिलाड़ी है, ये वो सरदार है जो इंडिया के लिए फखर की अलामत बना हुआ है, जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त इसकी बॉलिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 4 ओवर्स, 9 रन्स और 4 खिलाड़ी इसने पैदलियां भेजे, इसने तबाही फेर कर रखी है अमेरिका की, और ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में कामरान अकमल ने मुंह से गंद निकाला, इंडिया ने जो करना था कर दिया। अब पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान कितने पानी के अंदर है, आयरलैंड के साथ हमारा मैच है, ये ना सोचे कि बहुत छोटा मैच है, फुल कंपटीशन। दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारतीय टीम ने कल मतलब यूएसए को हराकर इन पाकिस्तानियों को इज्जत बचा ली, क्योंकि ये पाकिस्तान का इज्जत दांव पे लगा हुआ था कि अगर यूएसए टीम भारत को हरा देती तो पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 से पहुंचने से पहले बाहर हो जाती। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी बुरी कंडीशन है कि मतलब ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं, टूर्नामेंट तो छोड़ो मतलब कोई सीरीज नहीं जीत पाते हैं। पहली बात तो अगर ये आईसीसी के टूर्नामेंट में पहुंचते हैं तो किसी दूसरे भरोसे पहुंच आस लगाते हैं कि कहीं ये टीम हार जाए और टीम जीत जाए। यूएसए ने अच्छा तगड़ा मुकाबला किया भारत का, हालांकि भारत ने मुकाबला जीत ही जाना था, वर्ल्ड क्लास टीम है भारत की, और दूसरी तरफ एक तरह से आपके वेजर्स या आपके लिए एमेच्योर ये क्रिकेटर्स हैं यूएसए के, मगर इसी तरह से अगर कड़ा ये इम्तिहान में डाली रखेंगे एस्टैब्लिश टीम्स को तो आगे चल के फिर प्रोफेशनल भी हो जाएंगे और दुनिया में अपना नाम भी बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की विन के बाद यहाँ पे अमेरिका में तो खूब इन्होंने हेडलाइंस बटोरी हैं। देखिए, सौरभ जो है लेफ्ट आर्म पेसर है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक तो विराट कोहली ने गोल्डन डक किया, उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया और रन चेस जो है वो मुश्किल बना दिया। फिर ऋषभ पंत भी आउट हो गया, 50 पे 3, 100 रन करने थे, और फिर सूर्य कुमार यादव आए, स्ट्रगल कर रहे थे, उनका कैच इन्होंने ही छोड़ दिया। सो गोल्डन मोमेंट से नॉट सो गोल्डन मोमेंट इन्होंने अचीव किया, और फिर सूर्य कुमार ने 50 कर दिया। दुबे ने भी अच्छी बैटिंग की, इसलिए कि उनके लिए रन अंडर द बेल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को कोई जल्दी थी नहीं, हालांकि 18वें ओवर तक यूएसए ये कहेगा कि हमने मैच को खींचा। सुदीप सिंह, अब ये वो नौजवान खिलाड़ी है, ये वो सरदार है जो इंडिया के लिए फखर की अलामत बना हुआ है, जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त इसकी बॉलिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 4 ओवर्स, 9 रन्स और 4 खिलाड़ी इसने पैदलियां भेजे, इसने तबाही फेर कर रखी है अमेरिका की, और ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में कामरान अकमल ने मुंह से गंद निकाला, जिस पर हरभजन सिंह ने यह कहा कि कामरान अकमल लानत हो तुम पर, लखनऊ लानत हो तुम पर, और हरभजन सिंह ने ज्यादा कहा लेकिन ठीक भी कहा कि ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि कामरान अकमल ने टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर लाइव ये कहा। लाइव बैठकर कामरान अकमल ने यह चीज कही कि रात के 12 बज गए, सरदार को बॉलिंग नहीं देनी, चूंकि सरदारों का दिमाग यानी सर इनका काम नहीं करता, ये वो शुगली सरदार है वो जो लतीफों में आते हैं। और उसके बाद यही हरदीप सिंह आज इंडिया के लिए, आज दुनिया के लिए ग्लोबल स्टार बना हुआ है, फखर बना हुआ है, सेलिब्रेट कर रहा है, पेर रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और हम मुंह काला करवाकर हरदीप सिंह की परफॉर्मेंस को देखकर हम ये देख रहे हैं कि यूएसए का रन रेट गिर गया है, पाकिस्तान का और यूएसए का जो रन रेट का डिफरेंस था वो तकरीबन खत्म हो चुका है, और अब सिर्फ मैच विक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम आगे जाती है। फ्राइडे वाले दिन यूएसए वर्सेस आयरलैंड खेलेंगे और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडा में है, बारिश के 90% चांसेस हैं, अगर यूएसए हार जाता है पाकिस्तान के लिए चांस बन गया है। संडे को फिर पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच है, पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान आगे चला जाएगा। जो न्यूयॉर्क की पिच है इसने सब तगड़े, माजरत के साथ, सब तगड़े बैट्समैनों को बकरी बना दी है, जितने भी बैट्समैन अच्छे हैं वो बकरी बन गए इस पिच की वजह से। लो लेवल की जो टीम है, बड़ी टीम भी उन्हीं के लेवल पे आ गई है, मतलब ना बैटिंग की जा रही है, ना रन बनाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, आज भी यूएसए की टीम ने 110 रन किए, हरदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त एक जगह पे बॉलिंग की,
मतलब इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ रहा था ऐसी पिचेस के ऊपर, और हर टीम के बॉलर्स को फोकस होना पड़ेगा कि यार इस पिच पे एक बीच में बॉल करो, वहीं से स्विंग सीम करने की कोशिश करो, क्योंकि बॉल ऊपर नीचे रह रहा है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अगर हम बॉलर्स की बात करें, देखिए बैट्समैन के लिए मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम बॉलर्स की बात करें उनके लिए भी आसान नहीं है। एक ही स्पॉट पे, एक ही जगह पे, गुड लेंथ पे, अच्छी जगह पे टारगेट करना आसान नहीं होता है, ठीक है, उनके लिए भी, क्योंकि जब आप एक जगह पे बॉल करते हैं, विद स्टंप बॉल करते हैं, तो वहां पे बड़ा ठीक ठाक किस्म का जोर लग रहा होता है, आपकी मुस्तकिल कब बैक लग रही होती है, ठीक है, आपके लिए आसान नहीं होता। लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में जैसे उन्होंने नेट रन अपना जो रन रेट था वो पिकअप किया और क्लोज किया मैच को, स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ देयर क्लास। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी और टाइम पे तो बहुत मुश्किल था रन करना, लेकिन समहाउ जो है दुबे ने और खासतौर पर स्काई ने कोशिश की कुछ एनिमेशन की शॉट्स में, और उन्हें वो जो हम बार बार बात करते हैं कि जब आप टॉप के क्रिकेटर होते हो, टॉप के बैटर होते हो, तो आपको समवे अडॉप्टेशन करनी होती है और कुछ रास्ता निकालना होता है। तो इन दोनों बैटर्स ने ऐसे किया, जो उनकी पार्टनरशिप है उन्होंने मेक श्योर किया कि जो हम बार बार बात करते हैं कि चेज में जब आपको मेक श्योर करना है कि आपका वन बैटर जो है वो एक ऐसी इनिंग खेलें जो कि आप आखिर तक खेलें और वो आपको विनिंग साइड पे लेके जाएं। और ओवरऑल अगर बात करें यूएसए की टीम की, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा शोर क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह वो खेलें, उसके बाद जिस तरह आज वो एक बड़ी टीम, देखिए जैसे पाकिस्तान की टीम होती है और इंडिया की टीम होती है, सिर्फ एक टीम्स नहीं होती, बड़ी टीम्स नहीं होती, बहुत सारा प्रेशर भी इनका होता है, तो उस प्रेशर से हैंडल करना मेरे ख्याल से विन विन है यूएस के लिए, क्योंकि वो आज मैच हार गए, लेकिन अभी बड़ी अच्छी स्टेज पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे, अगर एक वो मैच जीतते हैं अगला तो मेरे ख्याल से सुपर 8 में वो क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे जाके बहुत सारी बारिश भी है चाहे इनके मैचेज होने, तो आई होप कि इनका मैच हो, पाकिस्तान का मैच हो, और वो जो बेस्ट टीम है फिर उसके बाद वहाँ से पता चले कि पाकिस्तान में और यूएस में कितनी स्ट्रेंथ है और कितना करेक्टर है कि वो आगे जाके शो करते हैं और सुपर 8 में क्वालिफाई करते हैं। यार आज मजा आ गया यार, जिस तरह की उम्मीद जागी, थैंक यू इंडिया, हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप लोगों ने सर्वाइव कराया यार, शिवम दुबे, मैं कहता हूं शिवम दुबे छोड़ो, सूर्य कुमार यादव लव यू यार, पाकिस्तान वालों ने सर्वाइव कराया, इंटेलिजेंट बैटिंग किया दोनों ने यार, नो डाउट यार। देखे ना आज का मैच पता क्या था, आज इंडिया पाकिस्तान भाई भाई वाला काम हुआ है, इंडिया कहा कि भाई हम लोग तो बात तुम लोगों को जाने नहीं देंगे, हम लोग तुम लोगों को सेमीफाइनल में फिर रहेंगे, ये इसलिए इंडिया ने सर्वाइव करवाया पाकिस्तान को यार, यूएसए को ना, यूएसए ने पाकिस्तान को कहा दिखाई, और इंडिया ने यूएसए को आज कहा दिखाई, नहीं इंडिया ने यूएसए को नहीं दिखाई, इंडिया ने पाकिस्तान को कहा दिखाई है कि भाई इस तरह खेलते हैं, इस तरह चाहे जो भी है इस तरह खेल के आगे आता है, हमारे सीनियर भी आउट हो गए, ना विराट चला ना रोहित चला, वही तो कह रहा हूं आदरी, आज आपने बैटिंग इनका बैटिंग लाइनअप देखा इंडिया का, कितने बैट्समैन थे, 2-3, बाकी नीचे अर्षद पटेल जैसे ऑलराउंडर सारे खिलाए, अर्षद पटेल खिला दिया, शिवम दुबे खिला, आप ये देखा अर्षद पटेल का बदला लेने का तरीका चेक करें, एक ओवर के अंदर छक्का गया, दूसरी बॉल से बीट कराई, तीसरी बस आउट कर दिया, पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था आज इंडिया के ऊपर, और फाइनली आज इंडिया जो है वो पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरा है, इंडिया ने पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का मान रखा है, उनके दिल रखे हैं, उनके जज्बात जो है वो रखे हैं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कामरान और वलीद मौजूद हैं। कामरान क्या कहोगे, हम जो चाहते थे वो हो गया, हमारी दुआएं रंग ले आई, आज इंडिया ने यूएसए को बुरी तरह मात दे दी है, यार सीधी सी बात है, आज इंडिया ने बता दिया कि यूएसए की क्या औकात है जो पाकिस्तान नहीं दिखा पाया, मतलब पाकिस्तान वो टीम है जो 159 रन करती है और यूएसए उसको चेस कर लेता। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत की शानदार जीत को लेकर भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता है कि अगर भारतीय टीम हार जाती तो पूरी तरीके से इस आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ इन पाकिस्तानियों के साथ कि किसी आईसीसी टूर्नामेंट में दूसरे के भरोसे ना रहे हों। 2022 T20 वर्ल्ड कप में जब मतलब मेलबर्न में भारत का मुकाबला हुआ उसमें इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी शिकस्त हुई थी, जिसके बाद ये पाकिस्तान वाले इस हास में बैठे हुए थे कि कहीं ए टीम उसको हरा दे, वो टीम उसको हरा दे, तब हम किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, लेकिन इन पाकिस्तानियों की किस्मत ठीक थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गए और फाइनली फाइनल में खेले थे, लेकिन वहां पर भी फाइनल हार गए। उसके बाद जब आईसीसी का टूर्नामेंट 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ भारत में, उस समय भी इन पाकिस्तानियों का ऐसे ही कंडीशन बना हुआ था, ए टीम जीते वो टीम जीते तो हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन इन पाकिस्तानियों का उस समय किस्मत खराब था और पूरी तरीके से लीग मैच से ही बाहर हो गए। और आपको बता दें कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में ऐसा ही हाल हुआ कि मतलब इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, भारत इसको हरा दे मतलब यूएसए इसको इससे हार जाए तो हम सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। तो आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो कि जिस मतलब कि तुम्हारी इस तरह की कंडीशन हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की भारत टूर्नामेंट खेला पूरी तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से मतलब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ
ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड पाकिस्तान की टीम भारत को हरा देगी, लेकिन जिस तरह से हमारे भारतीय बॉलर कमबैक किए, खास करके जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज और हरसदीप सिंह ने इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमर तोड़ डाले और भारतीय टीम फाइनली जीत गई और यूएसए को फाइनली भारतीय टीम ने हरा दिया। और जिस तरह से इन पाकिस्तानियों का अब सिनेरियो बन रहा है, ऐसा देख कर लग रहा है कि इन पाकिस्तानियों को अभी भी आस है कि हम सुपर एट में पहुंच जाएंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।